दो R15 V4। तो ये रही मेरी बाइक और ये है ऋषभ भाई की बाइक। जो हेलमेट चलान कर देंगे, कैमरा लगे है ना? नहीं करते हैं, मेरा बहुत चलान हो चुका है कैमरे से, इसलिए। ये क्या है कैमरा? जी जी, वेरी नाइस ब्लॉगर। जी वेरी नाइस। किस नाम से? मेरा मेरे मैं अपने बेटे को बोल तो खैर अभी छोटा है, पर वो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, बहुत अच्छा, स्कूल टीम में भी है, नेशनल भी खेल चुका है। मैं उसको बोलती हूँ तो अपना शुरू कर ब्लॉग शुरू कर। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि आप इतनी अच्छी उस पर, एंड यू आर वर्किंग विद दिस ब्लॉग, वेरी गुड। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज अभी मैं हूँ 76 सेक्टर मोहाली में। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं इसलिए आया था क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा दोस्त का एक ऑफलाइन चलान हुआ था, मतलब पंजाब के अंदर ही हुआ था, मोहाली में हुआ था, तो उसी का चलान पे करने के लिए आए थे। तो मैं सोचा कि चलो आज का मतलब वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं और आपको बता भी दूँ कि पंजाब के अंदर जैसे कि जीरकपुर, मोहाली, खरहर, मतलब पंजाब के एरिए के अंदर आपका चलान होता है ऑफलाइन, तो आपको यहीं पे आके भरना पड़ेगा। तो मैं इस जगह का नाम बता देता हूँ, जुडिशियल कोर्ट 76 सेक्टर मोहाली। तो आप गूगल मैप में भी सर्च करोगे ना जुडिशियल कोर्ट 76 सेक्टर मोहाली, तो आपको यहीं का लोकेशन बताएगा और आपको यहीं पर आके चलान भरना पड़ेगा। काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते थे और इंस्टा पर भी मैसेज करते थे कि भाई मेरा यहाँ पर चलान हुआ है तो कहाँ पर जाके पे करना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि चलो आज यहाँ पर आया हूँ तो आपको बता ही देता हूँ, तो आपको यहीं पे भरना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, गूगल मैप में आपको सर्च करना जुडिशियल कोर्ट 76 सेक्टर मोहाली, तो यहीं का लोकेशन बता देगा आपको, ठीक है? तो आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो गाइज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, ठीक है? और क्या सरप्राइज है अभी कुछ देर में ही आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला आगे चल के वीडियो में, ब्लॉग में, मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है? सरप्राइज़ दिखाने से पहले मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ जो कि बहुत दूर से आए हैं। तो ये है मेरे दोस्त ऋषभ भाई, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये भाई गांव से आए हैं, ठीक है? खास मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही है, तो गांव से चलकर आए हैं चंडीगढ़ राइड करने के लिए। काफ़ी दिन से भाई से बातचीत हो रही थी, तो मतलब हम बोल रहे थे कि यार कहीं राइड करने का मतलब मन तो है ही बट कोई साथ में मिल नहीं रहा था। तो एक्चुअली भाई को भी ज़रूरी था राइड करना और मेरे को तो है ही, तो इसीलिए भाई चंडीगढ़ अभी आए हैं और अब साथ में मिलकर राइड किया करेंगे। और जो आपको मैंने सरप्राइज बताया था ना कि आपको सरप्राइज दिखाने वाला हूँ, अभी कुछ देर में ही चल के दिखाता हूँ, ठीक है? चलें। बहुत तगड़ी सरप्राइज होने वाली है भाई, वो आप सोच भी नहीं सकते। अबे साले, कि कौन सी सरप्राइज होने वाली है, देख के मजा आ जाएगा। चलो यहाँ से आप एक बार देख लोगे, आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। दिखेगा नहीं, ये देखो। अबे देखो, बहुत दूर है सामने सरप्राइज, अभी नजदीक ले जाते, पास ले जाके आप लोगों को दिखाते। यहाँ से नहीं दिखेगा, पास जाना पड़ेगा ना, बहुत पास जाके आपको दिखाएंगे। चलो दिखाते हैं। तो ये रहा गाइज आप लोगों का सरप्राइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को सरप्राइज दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो R15 V4। तो ये रही मेरी बाइक और ये है ऋषभ भाई की बाइक जो आपने अभी मेरे साथ देखा, जो कि गांव से इसी बाइक को चलाकर आए हैं राइड करने के लिए चंडीगढ़ में, ठीक है? तो भाई खतरनाक लग रही है यार, सेम बाइक, दो R15, ठीक है? तो अब मज़ा आएगा राइड करने में। यही भाई ने इस बाइक को बिहार से चलाकर यहाँ पे चंडीगढ़ लाया, ठीक है? जो कि यार बहुत दूर ट्रैवल करके चंडीगढ़ पहुंचा है। तो भाई पहले आप बताओ, इतना दूर आपने ट्रैवल किया, बिहार से चलकर चंडीगढ़ आया, तो मतलब कैसा रहा आपका सफ़र? रास्ते में आपको कुछ परेशानी भी हुई क्या? यार बहुत परेशानी हुई, बहुत अच्छी भी लगती है ये बाइक चलाकर, बहुत मतलब अट्रैक्शन बहुत है, सब एक बार जो भी देखेंगे ना घूम कर जरूर देखते हैं ये बाइक को। बट इसमें क्या है ना कि आप इसमें झुक के चलाना पड़ता है, तो ये बॉडी है ना बैक, ये बैक में आपको बहुत पेन हो सकता है, बट आप जो रेगुलरली यूज करोगे तो फिर आपको पेन बहुत कम होने लगेगी। बहुत मजा आता है इस बाइक को चलाकर। पेन तो लॉन्ग रूट पे अगर निकलते हैं तब होता है ना, वैसे शॉर्ट टाइम चलाने के लिए तो शॉर्ट में कुछ नहीं है। शॉर्ट में सब कुछ, शॉर्ट में तो एक बार आप चला के पहले देखो बाइक, तभी आपको पता चलेगा। और फील कैसे आती है? बवाल आते हैं, खतरनाक है ना एकदम। और भाई जब हम लोग दोनों बाइक को लेके निकलते हैं ना, आगे मैं और पीछे ऋषभ भाई, तो भाई पब्लिक का जो रिएक्शन है ना खतरनाक। कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, साथ वाली वीडियो आती रहेगी हमारे। हाँ, वो अब आएगा मजा गाइज, दोनों लोग एक साथ में ही राइड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो R15। तो गाइज ये ऋषभ भाई का बाइक है, तो मैंने अपना बाइक तो खूब चलाया, तो आज मैं ऋषभ भाई के बाइक चला के देखता हूँ, जो कि सेम है तो कुछ भी खास नहीं, लेकिन फिर भी चला के देखता हूँ ऋषभ भाई का बाइक का मतलब क्या फील है, ठीक है? सेम है यार। तो थोड़ा चला के दिखाता हूँ आपको, है ना? चलाएं? हाँ भाई जरूर चलाइए।
और राहुल भाई कैसा लगा, आप तो बहुत दिन अपना बाइक चलाए, आज मेरा बाइक चला के कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, मतलब है तो बाइक बिल्कुल सेम ही, लेकिन फिर भी अगर दूसरे बाइक चलाते तो एक अलग सा फील आता है, मतलब बहुत अच्छा लगा। ठीक है चलते हैं गाइस, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है देखते हैं आज मतलब क्या क्या करते हैं, आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा, तो बने रहना आप लोग वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है चलो मिलते हैं। तो अब हम लोग बहुत ही जल्द राइड स्टार्ट करने वाले हैं गाइज, क्योंकि ऋषभ भाई भी आ चुका है R15 लेकर चंडीगढ़, और मेरे पास भी R15 है, तो अब मज़ा आएगा राइड करने में। तो बहुत ही जल्द अब हम लोग निकलने वाले हैं राइड पर। ठीक है, जो कि आप लोग बोलते रहते हो कि भाई खाली रैपिडो दिखाते रहते हो, कुछ राइड का भी वीडियो दिखाया करो, भाई वो दिन अब आ चुका है। ठीक है ना, और ऋषभ भाई का भी मैंने रैपिडो का आईडी मतलब जो था वो पहले किसी और लोकेशन का था, तो लोकेशन चेंज करवा दिया चंडीगढ़ में पहुंचने के बाद। जिस दिन चंडीगढ़ पहुंचा था उसके अगले दिन ही पहले रैपिडो का लोकेशन चेंज करवाया, और उसके बाद फिर ऊबर का भी लोकेशन चेंज करवाया। तो रैपिडो और ऊबर है भाई के पास, क्योंकि यार राइड करेंगे तो फिर कुछ खर्चे पाने के लिए पैसा भी तो मतलब होना चाहिए ना। बात तो सही है, जैसे मैं रैपिडो करता हूँ इस बाइक से, उसी तरह भाई सब भाई भी रैपिडो ओला ऊबर ये सब अपना चला कर खर्चा निकालेंगे और उसी पैसे से फिर राइड करेंगे, तो मज़ा आएगा, है ना। तो गाइस अभी हम यामा के शोरूम आए थे, तो मैंने इसी शोरूम से बाइक लिया। तो जैसे कि आप एक पिछले वीडियो में भी देखे होंगे, मैं नंबर प्लेट पता करने के लिए आया था, लेकिन उस टाइम आया हुआ नहीं था, तो अभी आया तो देखा कि मेरा नंबर आ गया, तो मेरे बाइक में नंबर लग गया। ठीक है, तो ऋषभ भाई के बाइक में तो पहले नंबर लग गया था, अब मेरा बाइक में भी नंबर लग गया। तो गाइस अब राइड करने में आएगा मज़ा, अब हम लोग कहीं भी राइड के लिए निकल सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर बोला था उसने, किस शॉप में बैक साइड तो बोला था, लेकिन कैसे पता चलेगा, पता करना, एक दो दुकान में पूछते हैं। नहीं यहीं पे लगाओ, ज़्यादा अंदर मत लगाओ, नहीं तो निकालने में दिक्कत होती है फिर बाइक। यहीं पे लगाओ ना, या राम दरबार जाऊँ वहीं से ले लूँगा। तो अभी मैं माइक का सेल लेने के लिए रुका था। ठीक है, तो जहाँ पर मिलता है सेल, तो मैंने उससे पूछा कि सेल लेना है, तो भाई वो 110 रुपये का एक सेल मतलब बता रहा था। मैं बोया भाई M1 माइक यूज़ करता हूँ ना, तो इस माइक में सेल डलती है, अगर मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करूँगा वीडियो तो फिर सेल की ज़रूरत नहीं होती है, मोबाइल मोड पर करके और विदाउट सेल से हो जाती है, मतलब परमानेंटली हमेशा के लिए। अगर मैं कैमरे से यूज करता हूँ तो फिर उस माइक में सेल डलती है, तो उसके बाद मतलब वॉइस कैप्चर होता है, नहीं तो नहीं होगा। वही मैं यहाँ पर लेने के लिए आया था, तो मैं सोचा कि पूरा पत्ता ही ले लूँगा, 10 सेल का पत्ता होता है, मतलब बहुत ही हाई बताया यार, 110 रुपये का एक सेल बताया था, जो कि 50 रुपये में मिल जाते हैं, पता नहीं इतना महंगा किस लिए बता रहा था वो। और जब मैंने उसको बोला तो मुझे ही समझाने लग रहा था कि ऐसे वैसे, फिर इसीलिए मैंने वहाँ से लिया नहीं। चलो कोई बात नहीं, मतलब जहाँ से मैं पहले लेता था ना वहीं से लेना पड़ेगा, तो जब उधर की कहीं राइड लगेगी रैपिडो में तब वहाँ से ले लिया जाएगा। और भाई पूरे दिन घूमते घूमते अब थोड़ा भूख लग गया है, तो चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं। ओके। लंच हो गया है कंप्लीट, और उसके बाद गाइज मैं रैपिडो और ऊबर को अभी लॉगिन कर लिया हूँ, थोड़ी देर रैपिडो और ऊबर में भी काम कर लेता हूँ। ठीक है, और आज मेरा बाइक का नंबर लग गया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यार इस चीज़ के लिए मैं बहुत दिन से परेशान था, इतना दिन हो गया मुझे बाइक लिए हुए और मेरा नंबर नहीं आया था, मुझे बहुत मतलब बुरा लग रहा था, तो फाइनली वो काम हो गया गाइज। तो अब मैं राइड पर भी निकल सकता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले, या फिर कोई दोस्त साथ में मिले राइड करने को। और इस बाइक का भी ओरिजिनल RC आ जाएगा ना, फिर रैपिडो ओला ऊबर में भी अपडेट करना है इस बाइक को। ठीक है, तो एक काम अभी रह गया है, लेकिन सबसे बड़ा काम था गाइज नंबर आना, और रजिस्ट्रेशन हो गया है तो मैं RC डिजी लॉकर पे भी डाउनलोड करके मतलब ट्रैवल कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसका ओरिजिनल RC आ जाएगा ना, तभी मैं इसको रैपिडो ओला उबर में अपडेट कर सकता हूँ। लोग कमेंट भी करते हो कि भाई डिजी लॉकर वाला RC से ज्वाइन कर सकते हैं क्या, तो यार उस RC से ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि उसमें ओरिजिनल RC का फ़ोटो मांगता है जब आप ID रजिस्टर करते हो। तो गाइज पहला राइड मिल चुका, तो करते हैं इसको कन्फर्म। ठीक है, छोटा ही राइड है, लेकिन कोई बात नहीं, पहला राइड था तो सोचा कि चलो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसके बाद तो फिर राइड आते रहेगा। रैपिडो को मैंने ऑफ़ कर दिया, अगर दो ऐप के साथ अगर आप काम करते हो तो अगर किसी एक में राइड आती है तो दूसरे को ऑफ़ करना पड़ेगा, तो अभी मेरे पास ऊबर में राइड आया तो मैंने रैपिडो को ऑफ ड्यूटी किया। तो चलते इसको पिक करते हैं। हाँ बाइक चेंज है, बाइक चेंज है इसीलिए।
हेलमेट चलान कर देंगे, कैमरा लगे है ना? नहीं करते हैं, मेरा बहुत चलान हो चुका है कैमरे से, इसलिए घुमाता हूँ बाइक। या इधर से भी जा सकते हैं क्या? हाँ। बैठ जाओ फिर, यहीं पे रोकना है ना आपको, इस पे कर दीजिए। पहला राइड हो गया कंप्लीट, तो करते हैं यहाँ से रैपिडो को ऑन। गाइस अभी 123 रुपये का राइड आया, बड़ा राइड है, तो चलो इसको कंफर्म कर लिया। मैं सोच रहा था कि कहीं स्किप ना हो जाए, तो फिर से मुझे रैपिडो को ऑन करना पड़ेगा। तो आप लोग भी 2-3 ऐप के साथ एक बार में काम कर सकते हो, ठीक है? एक में राइड आया, दूसरे को ऑफ किया। उबर की राइड आप बुक किए थे? हाँ मैं ही हूँ। 8924 नंबर आ रहा होगा, पिन बता दो। गाइस ये 14 किलोमीटर का राइड है और मुझे 28 मिनट दिखा रहा है पहुँचने के लिए। और जब ये राइड आया था तो मैंने आपको बताया था ये 123 रुपये का राइड था, ठीक है? तो अभी ऊबर में ना कोई कमीशन नहीं ले रहा है, तो जो भी राइड का फेयर होगा वो सारा पैसा मेरा ही होगा। बस कुछ पैसा कटेगा जो टैक्स होता है उसका, और बाकी सारा पैसा मेरा। कंपनी अभी ऊबर कोई कमीशन नहीं ले रहा है। तो अगर आप लोगों को भी ऊबर ज्वाइन करना है गाइज, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ID रजिस्टर कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका ID भी एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप काम कर सकते हो। 2 नंबर गेट वो है शायद। अच्छा अच्छा, UPI से करेंगे ना? हाँ जी, थैंक यू। तो गाइज ऊबर का राइड हो गया कंप्लीट और मुझे मिला 139, 124 रुपये का राइड था लेकिन मुझे ज़्यादा मिला 139। और मैंने आपको बताया था कि ये 14 किलोमीटर का राइड है, तो 14 किलोमीटर का मुझे 139 मिला। ये ना आप जब इस एड्रेस पे पहुंच जाओगे ना, एरोसिटी। हाँ जी। ये क्या है, कैमरा? जी जी, वेरी नाइस। ब्लॉगर जी, वेरी नाइस। किस नाम से? राहुल ब्लॉग भी आज ठीक। चलो हम भी फॉलो, मैं बेटे को बोल रही हूँ, मेरा बेटा 11 साल का, फिर वेरी नाइस। एंड यू आर वर्किंग ऑल्सो, आई एम रियली, मैं भी वर्किंग हूँ ना, तो मुझे लगता है इट्स वेरी गुड। तो एडिट वगैरह कौन करता, खुद करता? मैं, हाँ सारा कुछ खुद ही करता हूँ। कहाँ के बेस्ड आउट हो यहाँ पे? नहीं मैं बिहार से हूँ, पंचकुला 20 सेक्टर में रहता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? नहीं जॉब करते थे, अब भी यूट्यूब ही कर रहे हैं। पर यूट्यूब पे है इतना, मतलब कि इनकम है? हाँ जॉब से अच्छा है तभी मैंने। चलो वेरी नाइस। मेरा मेरे मैं अपने बेटे को बोल, तो खैर अभी छोटा है पर वो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, बहुत अच्छा, स्कूल टीम में भी है, नेशनल भी खेल चुके। मैं उसको बोलती हूँ तो अपना शुरू कर ब्लॉग शुरू कर। हाँ स्टार्टिंग में टाइम लगता है, एक बार बस जब ग्रोथ मिल गई ना, व्यूज आने लगे, तब कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है ना? जी जी। चलो नाइस। आप ना बस जब इस एड्रेस पे पहुँचोगे ना, एक ऑफिस का लड़का ही, पहले तो ये ले लो, शेपिन है 5926। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि आप इतने अच्छे उस पर, एंड यू आर वर्किंग विद दिस ऑल्सो, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत कम एक्चुअली क्या है, जो हमारे जैसे वर्किंग लोग हैं और आई वोंट से पढ़े लिखे बट हाँ, वो उनको अहमियत पता है काम करने का। जी जी। हाँ जी ऊबर वाला क्या कहते हैं, आप पहुँचोगे ना तो वहाँ पे छोटू नाम का लड़का होगा, छोटू जो ऑफिस बॉय है जी, उससे मेरी एक बारी फ़ोन पे बात करा। ठीक है मैम। ठीक है, उसका फ़ोन ऑफ है, ठीक है, मेरी बात करा। ये वीडियो डाल सकता हूँ यूट्यूब पे? कौन सी? अभी जो। हाँ हाँ डाल दो। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा मैम बोले बात करने के लिए आपको, वो कॉल कर लो ना, मैंने राइड कंप्लीट कर दिया, कर लोगे? कर लो। हाँ हाँ, कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं आप? अरे कॉल आई है, अभी 2 बार मैंने कॉल किया। फेस 1 चंडीगढ़ जाना है क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है बैठ जाओ। जिधर से मैं एंट्री किया था उधर से एग्जिट भी हो जाएगा ना? यहीं पर बता रहा, आपको कहाँ उतरना है? हाँ जी, ओके कोई बात नहीं, आप इतना ही कर दो, देता हूँ इस पर। ठीक है भैया, थैंक यू। टाइम अभी शाम के 5 बजने वाले हैं गाइज, तो चलता हूँ मैं अब घर, क्योंकि वीडियो भी एडिट करना है, अपलोड भी करना है, ठीक है, और भी कुछ काम है, तो इसीलिए मैं अभी रैपिडो और ऊबर को ऑफ ड्यूटी कर दिया हूँ। तो करते हैं गाइज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।